और सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। नीतीश कुमार के संयोजक का पद ठुकराने के बाद कुछ दलों ने लालू यादव के नाम का प्रस्ताव भी रख दिया। बताया यही जा रहा है कि इस पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। बड़ी खबर, कुछ दल ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव संयोजक बन जाए, और जब इसके ऊपर नीतीश कुमार से रिएक्शन लेने की उनके मन के भाव समझने की कोशिश की गई तो वो कह रहे हैं अगर ऐसा है, मतलब दल ऐसा चाहते हैं कि लालू यादव संयोजक बन जाए, तो फिर लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। वैसे भी संयोजक बनने से इनकार नीतीश कुमार की तरफ से तो कर ही दिया गया है। अब लालू प्रसाद का नाम सामने आ गया, वैसे भी बिहार में दोनों गठबंधन की सरकार चली रही है आरजेडी और जेडीयू की, तो ऐसे में इनकार कर नहीं सकते नीतीश कुमार शायद, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा है तो फिर लालू जी को ही संयोजक बना दीजिए। अब बड़ी बात यह, एक नाम के ऊपर सहमति आखिर बने कैसे? नीरज का रुख करेंगे। नीरज, सवाल वही बार बार उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो और कौन, क्या लालू रेस में है? देखिए, एक बात बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि बहुत गंभीर तरीके से, जितनी गंभीरता चेयरपर्सन का पद हो या संयोजक का पद हो उसको लेकर इस बैठक में दिखाई नहीं गई। हालांकि जेडीयू और बहुत सारे दल ये मानते रहे कि एक कन्वेनर का पद होना चाहिए, जब से नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक साथ जोड़ा, लेकिन आज की बैठक में बहुत गंभीरता नहीं दिखाई गई। और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीट शेयरिंग पे पहले बात हुई, फिर न्याय यात्रा का इन्विटेशन दिया गया, तो कई तरह के प्रस्ताव आए। जो सूत्रों से खबरें आई हैं हमें, उसमें ये भी आया कि लालू यादव का भी प्रस्ताव आया, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव आए और गए, लेकिन मूल बात यह थी कि चेयरपर्सन के प्रस्ताव का जब जिक्र आया तब खड़गे के नाम पे सभी सहमत हैं। नीतीश कुमार की जहां तक बात आई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि वो एस्पिरेंट नहीं है, यानी दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इस मसले पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे बाकी दलों से बड़े सहयोगी दिखाई नहीं दे रही है, बात करेंगे और तय करेंगे। दिखाई जानी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया।